Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, प्रचंड की टुडे वी आर हैविंग द सेकंड सेशन. आई होप आप सभी ने पहला सेशन देखा हो एंड उससे बेनिफिट उठाया हो. आज हम उसी करंट अफेयर्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सम मोर टॉपिक्स, सम मोर थीम्स डिस्कस करेंगे सो एज टू एंश्योर दैट एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स आए वी आर एबल टू सॉल्व इट. दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई गाइज, आई एम अक्षय पटोला. आई बिलोंग टू द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. And recently, I have been able to secure All India Rank 1 in the UPSC CAPF exam. And I am here to make you worthy of worthy. Worthy Shala ka jo ek matra dhyay laksh hai, wo hai aapko kabil banana worthy ke. Because hamara one line motto hai, agar aap worthy ban jao English wale, to Hindi wali worthy aapke paas apne aap aa jayegi. So let's start today's topic. Of Prachand, the only current affairs you will ever need to crack your exam. Be a Sitara Zebra, not an Awara Zebra. Sitara Zebra focuses on roti, return on time invested. So, आज के टॉपिक्स क्या हैं? एक तो कल के जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए थे उनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वील मूव टू टूडेज थीम. फर्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था दैट इज पॉलीवर्सिटी. वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट सिंस इट वॉज इन न्यूज एंड थोड़ा सा फैंसी सा नेम है इसलिए एक बार देख लेते हैं. पॉलीवर्सिटी है, ये पॉलीटेक्निक से कोई लेना देना नहीं है, आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है. ये बेसिकली इंडिया की फर्स्ट मेटावर्स की यूनिवर्सिटी बोली जा रही है. मेटावर्स आप सभी समझते हैं, काफी ज्यादा टर्म पॉपुलर है आजकल, न्यूज में चल रहा है. सो मेटावर्स में एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो इंडिया में एक्टिव होगी, फर्स्ट मेटावर्स में एक्टिव होने वाली यूनिवर्सिटी इंडिया में जो रहेगी दैट वुड बी पॉलीवर्सिटी. तो ये एक तरीके से एजुकेशन की मेटावर्स होगी. क्या ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है? नहीं, भारत सरकार इसको बाहर से सपोर्ट कर रही है. इट्स अ प्राइवेट इनिशिएटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आईडीएस उनका इनिशिएटिव है. सो नॉट इम्पोर्टेंट, भारत सरकार बाहर से ही सपोर्ट कर रही है बट हमें कॉन्सेप्ट समझिए पॉलीवर्सिटी क्या है. पॉलीवर्सिटी एजुकेशन की एक मेटावर्स है. मेटावर्स से आप क्या समझते हो वो आप देखते हो ना. अभी तक क्या होता है, आप कैंडी क्रश खेलते हो या आप कोई फार्मूले खेलते हो तो उसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन जब तक स्क्रीन पे हो तब तक ही गेम चल रहा है. आप सपोज है वो पोकेमॉन गो आपने अगर खेला हो तो उसमें क्या फोन से आप ऐसे फेंकोगे तो पोकेमॉन कैच हो जाता था. अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी की स्पेस में चला जाएगा, यानी आप आंखों के ऊपर कुछ लगाएंगे तो आपको एकदम दिखने लगेगा आसपास जो वो स्क्रीन पे आ रहा होगा. यू कुड इवन फील दैट. सो वो जो 3D 7D वाला जो आप ड्रामा देखते थे उसी को मेटावर्स एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है. सो एजुकेशन मेटावर्स फर्स्ट पॉलीवर्सिटी के नाम से उसको स्टार्ट किया गया. ठीक है, VPN ये क्या है? भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क. व्हाट इज दिस भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क? किस चीज से एसोसिएटेड है? अगेन इट्स एसोसिएटेड विथ एजुकेशन ओनली. इसमें क्या है, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क में आपको कोई डिग्री मिली, कोई सर्टिफिकेट मिला. कई बार ऐसा होता था कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था. सपोज आपने एक कोर्स एक पर्टिकुलर कॉलेज से किया, दूसरा कोर्स दूसरे पर्टिकुलर कॉलेज से किया, अब आपको एक क्रेडिट यहां से मिल रहा है, एक क्रेडिट यहां से मिल रहा है. अब फाइनल आपको जो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है वो कह रहा है ये कोर्स तुमने किया या नहीं किया. तो इस तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन जाए, ABC बन जाए, एक कंसोर्शियम हो जिसमें हम एजुकेशन रिलेटेड एकेडमिक जितनी भी चीजें उनको एक कंसोर्शियम के थ्रू एक ब्लॉकचेन पर स्टोर करें ताकि वो इजीली वेरीफायबल हो एंड वी कैन नो वेदर दे आर ट्रस्टवर्दी और नॉट. उसके लिए भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क स्टार्ट किया गया. ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर प्राइवेट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नली सपोर्ट कर रही है. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल दे आर इन न्यूज सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज शिंकुला पास. शिंकुला पास क्यों न्यूज में था? बिकॉज ये इंडिया का हाइएस्ट पास होगा. वेन इट वुड बी कंप्लीटेड इट वुड बी हाइएस्ट पास ऑफ इंडिया. ठीक है, और यहां से वर्ल्ड की हाइएस्ट टनल जाएगी, वर्ल्ड हाइएस्ट टनल. ठीक है, वर्ल्ड की हाइएस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल आप सबको पता है, काफी टाइम से न्यूज में चल रही थी लॉन्गेस्ट टनल इंडिया में जो फॉर्म की गई थी कहां पे थी बताना जरा. यस, इट वॉज द अटल टनल. अटल टनल के बारे में डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सो आपको भी पता होना चाहिए. शिंकुला पास क्या है? ये वर्ल्ड का हाइएस्ट टनल होगी. ठीक है, वर्ल्ड की हाइएस्ट टनल कहां पे है शिंकुला पास? यार ये लद्दाख को, लद्दाख का जो ऑटोनोमस रीजन है उसको लिंक करेगी किससे? हिमाचल से.
ओके, जो लाहौल वैली है ना हिमाचल की, उसको लिंक करेगी लद्दाख से, ठीक है। ये लद्दाख में है आपकी कौन सी माउंटेन रेंजेस, जस्कर, जस्कर माउंटेन रेंजेस को ये हिमाचल की जो आपकी लाहौल वैली है ना, उन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो जस्कर रेंजेस जो लद्दाख में प्रेजेंट है, उनको ये लाहौल वैली ऑफ हिमाचल को कनेक्ट करेगी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल शिंकुला पास से पास होने वाली है, ठीक है। सो शिंकुला पास कहाँ लोकेटेड है मैप में पता होना चाहिए। इस तरीके के वेरियस पासेज आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके में आप सभी को पता होना चाहिए। बॉमडिला पास कहाँ पे, सेला टनल एक और टनल काफी ज्यादा न्यूज में है, मुझे कमेंट करके बताओ। अभी जो सेला टनल है वाई इज इट ए न्यूज, अरुणाचल में लोकेटेड है, वाई इज इट ए न्यूज की क्या स्पेशलिटी है। बॉमडिला पास कहाँ पे लोकेटेड है, इसके अलावा एक और फेमस पास शिपकीला पास, और एक और पास जो न्यूज में है काफी ज्यादा रिजैंगला पास, इनका मुझे कमेंट में बताना। देखो वैसे रिजैंगला के बाद पास लिखना इज यूजलेस, व्हाई, बिकॉज ला का खुद ही मतलब होता है पास। तो अगर आपको किसी भी वर्ड के बाद पास लिखा हुआ नजर आया ना, दैट मींस इट इटसेल्फ इज अ पास। पास इज व्हाट, दो माउंटेन्स है उनके बीच से एक दर्रा जिससे ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो शिंकुला पास कहां पे लोकेटेड है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, न्यूज में क्यों था वो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम पे आपको पता है एक मोटर, ये जो फेरीज होती है बोट्स होती है ना, एक बोट को नाम रखा गया है, बट आई हैव क्रॉस्ड इट बिकॉज ऐसी काफी सारी चीजें होंगी। रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो अब सबसे लंबी मोटर वेसल यानी वो बोट जो सबसे लंबी इस पे ट्रेवल की है वो है रामप्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। बट यार ऐसी तो गंगा रिवर पे कोई लॉन्गेस्ट ट्रेवल करेगी, कावेरी पे कोई ट्रेवल करेगी, हमारे नेशनल वाटरवेज 101 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज है, हर एक पे कोई बोट ट्रेवल करेगी जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट होगी, तो क्या हम वो सब पढ़ने बैठ जाएंगे। आई थिंक उसका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत खराब है, दैट्स व्हाई आई हैव क्रॉस्ड दिस। बट अगेन आपको एक ये जो एमसीक्यू वाले और मैराथन इस तरीके की जो ड्रामाबाजी चलती है उसमें ये सब मिलेगा, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस जस्ट टू bring it into your notice कि टेस्ट सीरीज में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं that's no barometer of your real performance because test series में random questions भी होते हैं। Next है ये the jet क्या है यार, ये world का first hydrogen powered flying boat है, ठीक है। So flying boat जो hydrogen से powered है world's first, that's the jet ही उसका नाम कर दिया गया है। UAE based एक system है वो इसको govern कर रहा है, so UAE से related है और हाइड्रोजन बेस्ड वर्ल्ड का फर्स्ट पावर्ड फ्लाइंग बोट है, ठीक है, द जेट। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है, थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है बट स्टिल इंपॉर्टेंट। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसको डेडिकेटेड है, श्री रामानुजाचार्य। ये कौन है, ही इज अ भक्ति सेंट एंड भक्ति सूफी सेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए सीडीएस, ठीक है। भक्ति सेंट है, हिज फिलोसफी इज कॉल्ड एज विशिष्ट अद्वैत। जो अद्वैत फिलॉसफी है, अद्वैत वेदांत है, वो किसका है, वो शंकराचार्य का है। सो ही इज डिफरेंट फ्रॉम शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत किसका है, वो शंकराचार्य का है, ठीक है। रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद, दैट इज क्वालिफाइड मोनिज्म। अगर इंग्लिश में देखोगे तो बेसिकली जितनी भी भक्ति ट्रेडिशन है ना वो इसी से, इसकी फिलोसॉफिकल रूट्स आप देखोगे तो रामानुजाचार्य के मॉडल में दिखती है। और इनके इनको डेडिकेटेड स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है, जो वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है इन अ सिटिंग पोस्चर। और ये कहाँ पे बनाया गया है, इट हैज बीन मेड एट, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, बिल्कुल इनॉग्रेट किया, इट्स वेयर, इट्स इन हैदराबाद, ठीक है। अब ये किससे बनाया, इसमें वो फाइव टाइम के कौन से मेटल्स यूज किए गए हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस क्योंकि ये काफी पुराना करंट अफेयर्स हो चुका है बट इतना पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन स्टिल बी आस्क्ड, ठीक है। ओके, सो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देख लिया, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज T-49। अच्छा T-90 सब जानते हैं क्या है, T-90 अर्जुन डिफेंस एस्पिरेंट्स, फटाफट बताओ, ये पता होना चाहिए यार। और ये कमेंट्स में बताना सारी चीजें, ठीक है, whatever is being asked recall होगा आपको। So yes, it is the main battle tank of India, Russia से imported थे T-90s, then Arjun हमने main battle tank बनाया inspired from T-90s,
बट ये T-49 भी कोई टैंक है क्या? नहीं, T-49 ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया की जो अब एक्टिव हुई है, ठीक है। सो T-49 इट्स नॉट अ टैंक, इट्स द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया। ये कहां से? बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो कटरा बानिहाल वाला रीजन है ना, देर इज दिस प्रोजेक्ट जो जम्मू को कश्मीर से लिंक करने के लिए रेलवे लाइन को डेवलप किया जा रहा है। सो इसमें जो कटरा और बानिहाल को लिंक करने वाला लिंकेज है उसमें ये T-49 टनल है और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल होने वाली है जो इंडियन रेलवे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया की लॉन्गेस्ट इंडियन रेलवे के द्वारा कनेक्टेड जो टनल है दैट इज गोइंग टू बी T-49, ठीक है। अर्जुन भीष्म बोथ मेन बैटल टैंक्स है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट है गोवर्धन। गोवर्धन क्या है? ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम थी, इसमें बायोगैस के प्रोडक्शन का संवर्धन करना था, प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, उसके लिए सब्सिडी देना था। तो बेसिकली इसका सबसे लार्जेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट बायोगैस का जो प्रोडक्शन का प्लांट बनाया गया दैट हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। सो गोवर्धन स्कीम क्या, ये जो बायोगैस का जनरेशन, ये जो वेस्ट एनिमल कैटल काउडंग ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रोड्यूस होता है उसको हम इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट के थ्रू उसकी बायोगैस का मैन्युफैक्चर करें और फिर उस बायोगैस को यूज करें, ठीक है। सो गाय का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिलॉसफी को आगे ले जाती है गोवर्धन स्कीम, ठीक है। वैसे गाय से ही मुझे हमारे अगले टॉपिक पे जाने का भी एक इशारा मिला है। सो गोवर्धन गाय से हम ले जाते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इकोनॉमी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दैट्स योर इकोनॉमी। इकोनॉमी पे हमेशा सवाल आते रहते हैं एंड इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिक बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो इसी के माध्यम से देखेंगे कुछ कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी। स्टैटिक में अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हो तो एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स की उठा के उसमें जो अपेंडिक्स का सेक्शन है ना, ये सिर्फ सीडीएस के बच्चों के लिए, एनडीए वाले स्टूडेंट डू दिस, सीडीएस वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उठा के उसके एंड में जो अपेंडिक्स है, वेरियस टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन है, उनसे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, इट वुड बी क्वाइट यूजफुल, ठीक है। यस, सो वी विल स्टार्ट इकोनॉमी नाउ, बट हाँ उससे पहले यार आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन एंजॉइंग अवर क्लासेस बट इट टेक्स रिसोर्सेज टू डू दीज क्लासेस, सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अवर पेड कोर्सेज। सो हमारे भी अब पेड कोर्सेज होंगे, वी विल हैव अवर पेड कोर्सेज, यू हैव टू ज्वाइन दोज पेड कोर्सेज इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दीज क्लासेज फर्दर। और हमारे पेड कोर्सेज का आपको मैं कुछ डिटेल बताना चाहूंगा, हमारे कोर्स अलग अलग लेंथ के हैं, 3 मंथ का कोर्स है हमारा, उस कोर्स का नाम है सस्ता नशा, बिकॉज इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य आपको लत लगाना हमारी क्लास देखने की। एक बार आपने सस्ता नशा खरीद लिया फिर आपको हमारी क्लासेस की लत लग जाएगी। और इस कोर्स की फीस बहुत ही मामूली है दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको सिर्फ अपनी माँ के जेवर बेचने हैं, नथिंग मोर देन दैट, इट्स वेरी चीप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है जो आपको सही में एक अच्छा एस्पिरेंट बना देगा, वो है 6 मंथ का कोर्स। 6 मंथ के कोर्स का नाम है गाइस जेब कतरा। जैसे आपकी जेब कटती है और आपको पता नहीं चलता, इस कोर्स के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। कैसा आपका समय, आपकी जवानी और आपका पैसा आपकी जेब से कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा इस कोर्स में, ठीक है। इतनी बढ़िया क्लासेज होंगी और इसकी फीस भी बहुत ही मामूली सी है, बस आपको आपकी पापा की पेंशन बेचनी पड़ेगी और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी चीप गाइस। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हमारा जो 9 मंथ का है, जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर दे, उनके लिए 9 मंथ का कोर्स है गाइस। और इसका नाम है गिरवी घर। गिरवी घर इस कोर्स का नाम इसलिए है बिकॉज इसमें कोर्स को खरीदने के लिए लोगों को अपने घर गिरवी रखने पड़ जाते हैं और फीस भी बहुत मामूली है, बस आप अपनी किडनी बेच दीजिए और आप इस कोर्स को इजिली हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसको खरीदने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक है, वो है हमारा गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। अगर हमारे कोर्स का आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो राइट फ्रॉम योर होम, माँ की कोख से लेके जब तक आप टूम्ब तक ना चले जाएं, अपने आप मकबरे तक ना चली जाएं, ये कोर्स आपकी मदद करता रहेगा गाइस।
और इस कोर्स का नाम है आजीवन कारावास, बिकॉज हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आप इन्हीं एग्जाम्स की ही तैयारी करते रहें और हमारे कोर्सेज खरीदते रहें बार बार, ठीक है। तो लाइफ टाइम कोर्स है हमारा आजीवन कारावास, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस कोर्स की फीस बहुत कम है, इसमें सिर्फ आपको आपकी आत्मा बेच देनी है, आपको अपनी सोल हमें गिरवी रख देनी है और आपकी सोल, ताकि आप अगला जन्म लें तब भी अगले जन्म मोहे एस्पिरेंट ही कीजो और हमारा पेड कोर्स खरीदो, उस लाइन में आपको ले जाना। इसके लिए आपको आपकी सोल गिरवी रख देनी है गाइस। तो आप ये हमारे जो वेरियस पेड कोर्सेज है आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पेड कोर्स पसंद आए वो वाला पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, क्योंकि मैं आपका इतना फेवरेट एजुकेटर हूं, आप सभी मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो आपके लिए एक डिस्काउंट कोड भी है। ईद, होली, दिवाली हो, चाचा का बर्थडे, आपके मामा का बर्थडे, आपके ताता का बर्थडे, किसी का भी बर्थडे हो, हम डिस्काउंट कोड आपके लिए लेके आते हैं। सो एक स्पेशल डिस्काउंट कोड आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा गाइस चेकआउट में, 10%, 20%, 30%, जितना बोली लगाओ उतना डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड है हैशटैग कट गया, तो जब आप चेकआउट करेंगे हैशटैग कट गया लिखिएगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा गाइस। सो ये पेड कोर्सेज है, पेड कोर्सेज आप जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे, बिकॉज पहले आप सिर्फ अज्ञानी है, जब तक आपने ये पेड कोर्सेज अटेंड नहीं किए यू आर जस्ट अज्ञानी। बट जब आप इन कोर्सेज को खरीद लेंगे तो आप अज्ञानी के साथ साथ कंगाल भी हो जाएंगे। सो अज्ञानता और कंगालता को एक साथ अनुभव करने के लिए मेक श्योर दैट यू ज्वाइन अवर कोर्सेज, पेड कोर्सेज ज्वाइन करें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो एनीवेज, जोक्स असाइड, लेट्स स्टार्ट इकोनॉमी नाउ। इकोनॉमी यार, पहला जो एक मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में, दैट्स हेलो। ये हेलो क्या है? ये हेलो फ्यूचर कैडेट्स वाला हेलो नहीं है, दिस हेलो इज रशिया की इकोनॉमी। आप सबको बताए काफी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर सैंक्शन लगाए। सो रशिया में मास्टर कार्ड, वीजा, डेबिट कार्ड ये सब वर्क नहीं कर रहे थे, यानी फाइनेंशियल सिस्टम्स वहां के, पेमेंट सिस्टम्स इंटरनेशनल मार्केट से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे। जिस वेस्टर्न देशों का मानना ये था कि इस तरीके से हम रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं एज वी ऑल नो। सो रशिया ने अपना इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम डेवलप कर दिया है और उस पेमेंट सिस्टम का नाम दिया गया रशिया ने हेलो, ठीक है। सो जैसे इंडिया का अपना है ना एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपना देसी डेवलप किया रुपए, तो ऐसा ही रुपए, रशिया का जो रुपए कार्ड है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, हेलो। तो ये रशियन पेमेंट सिस्टम है जो रिसेंटली न्यूज में था, सो पता होना चाहिए रशियन पेमेंट सिस्टम जो न्यूली डेवलप्ड है, दैट्स हेलो। नेक्स्ट इज राइनो बॉन्ड। व्हाट इज दिस राइनो बॉन्ड? ये राइनो बॉन्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ना बॉन्ड क्या होता है, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है बेटा, बॉन्ड होता है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट, कर्ज का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी क्या, मैंने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया, उसमें मैंने लिखा कि जिस बंदे के पास ये कागज का टुकड़ा होगा उसे आज से 8 साल बाद मैं 100 रुपए वापिस करूंगा, प्लस उसको इन द मीन टाइम जितने भी साल होंगे हर साल कुछ X% ब्याज भी दूंगा। सो एसेंशियली दिस इज बॉन्ड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स में आप ओनर बन जाते हो, बॉन्ड में आप ओनर नहीं बनते, आप एक तरीके से आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है। सो दैट्स बॉन्ड। तो ये राइनो बॉन्ड क्या है गाइस? राइनो बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बॉन्ड लॉन्च किया गया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। इसमें क्या है, बेसिकली ब्लैक राइनोज जो केनिया और अफ्रीका में है उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टर से लिया जाएगा और अगर उस पैसे का एकदम ऑप्टिमम यूज होता है और नंबर ऑफ राइनोज बढ़ते हैं तो आगे चल के जब वो पैसा इंटरेस्ट के साथ उन इन्वेस्टर्स को वापस किया जाएगा, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए राइनो बॉन्ड लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा राइनो बॉन्ड लॉन्च किया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, राइनोज, ब्लैक राइनोज के लिए, केनिया अफ्रीका में लॉन्च किया गया और इसमें आपको पैसा वापस दिया जाएगा अगर वहां पे इनके नंबर्स, राइनोज के नंबर्स आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड बढ़ते हैं तो, ठीक है। इस तरीके के काफी सारे बॉन्ड्स पे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आया था मसाला बॉन्ड पे। सो मसाला बॉन्ड क्या होता है? ये असेंशियली रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इशू किए जाते हैं। यानी अगर आप यूएसए गए या सपोज
लंदन गए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए या यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में गए, और वहां आपने कहा यार मुझे पैसा दो, लेकिन जो मैं पैसा तुम्हें लौटाऊंगा वो रुपए के मार्फत ही लौटाऊंगा, यानी मैं आपसे डॉलर में पैसा ले रहा हूं लेकिन आपको वापस रुपए में ही दूंगा। सो दीज काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज मसाला बॉन्ड्स, ठीक है, जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में इशू किए जाते हैं, दीज आर मसाला बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की बात चली रही है तो एक और बॉन्ड आपको बता देता हूं जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में, दैट आर कॉल्ड एज ईएसजी बॉन्ड्स। ईएसजी बॉन्ड्स एसेंशियली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। ईएसजी क्या है, इस पे वैसे आगे मैं और ज्यादा डिस्कशन करूंगा। ईएसजी एसेंशियली एक फिलॉसफी है जो कहती है कि यार पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं लगाना है, मतलब सिर्फ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी आप पैसा लगाओ, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां जिसका एक पॉजिटिव सोसाइटल इंपैक्ट निकल गया। सो ईएसजी बॉन्ड होते हैं एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने वाले बॉन्ड, यानी कोई आप ऐसे कॉज में पैसा लगा रहे हो जो एनवायरमेंट को हेल्प करेगा, आप ऐसे कॉज में पैसा लगा रहे हो जो सोसाइटी को हेल्प करेगा, ऐसे कॉज में पैसा लगा रहे हो जो गवर्नेंस एक जगह की इंप्रूव करेगा। सो दीज आर ईएसजी बॉन्ड्स, इन पे भी आगे चर्चा करेंगे थोड़ी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट राइनो बॉन्ड्स, ठीक है, राइनो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं ये कुछ और, ईएसजी बॉन्ड देख लिए हमने, मसाला बॉन्ड्स देख लिए। सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट है पंचतंत्र। व्हाट इज दिस पंचतंत्र? पंचतंत्र सबको पता है वो कहानियां होती थी हाथी घोड़े इन जानवरों की जिसमें मॉरल लेसन दिए जाते थे। तो पंचतंत्र के पहले तो मुझे राइटर बता दो, श्री विष्णु शर्मा राइटर माने जाते हैं, क्रिएटर माने जाते हैं पंचतंत्र स्टोरीज के, पंडित विष्णु शर्मा। तो न्यूज में क्यों है यार पंचतंत्र, ये तो स्टैटिक चीज है सबको पता है, पंचतंत्र न्यूज में इसलिए है बिकॉज इंडिया के फर्स्ट कलर्ड कॉइन जो इशू किया गया है। अभी तक आप सब सिक्के देखते हो तो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं सिल्वर कलर के, बट इंडिया का पहला सिक्का जो कलर्ड है वो पंचतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए इशू किया गया रिसेंटली, बिकॉज एक मिंटिंग कॉइन मिंटिंग एजेंसी है उसकी एनिवर्सरी थी, सो दैट्स व्हाई इट वाज इशूड। तो सवाल आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट कलर्ड कॉइन किस उपलक्ष में इशू किया गया या उसपे किस चीज की इमेज है, सो उसमें पंचतंत्र को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। हाँ, अगर ये राइनोस की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी तो वो आपको इंटरेस्ट अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, सो दैट्स अ कंडीशन इन द राइनो बॉन्ड, ठीक है। सो पंचतंत्र क्यों न्यूज में है देख लिया। नेक्स्ट है आरबीआई से जुड़े हुए कुछ इनिशिएटिव्स जो न्यूज में थे। आरबीआई आप सबको पता है इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में ही है। आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्न होता है, 1 अप्रैल को इट वॉज फॉर्म। ऑसबॉर्न स्मिथ कौन थे जरा बताना, आरबीआई की बात चल रही है तो ऑसबॉर्न स्मिथ कौन थे? ओके, सो आरबीआई के कुछ इनिशिएटिव्स जो काफी ज्यादा न्यूज में थे। आरबीआई के बारे में और भी काफी सारी चीजें हैं स्टैटिक यार, बट अगेन स्टैटिक जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूंगा तब उसको डिस्कस करूंगा, अभी करंट देखते हैं। तो सबसे पहला ये ओबिकस सर्वे, ओबिकस सर्वे क्या है, कौन कराता है? सो ओबिकस सर्वे कराता है आरबीआई। इसमें क्या है, बेसिकली ये इन्वेंट्री देखता है, ऑर्डर बुक्स एंड इन्वेंट्री देखता है कंपनीज की। मतलब अगर शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वेंडर्स, होलसेलर्स को लगता है कि यार मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्या उनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ी हुई होती है, उनकी इन्वेंट्री भी बढ़ी होती है? दुकानदारों ने सामान रखा होता है कि यार डिमांड बढ़ने वाली है, तो हर कोई, सपोज दिवाली है तो हर कोई पटाखे दुकानदार स्टॉक कर लेगा बिकॉज उनको पता है डिमांड बढ़ने वाली है। तो ओबिकस सर्वे का डेटा हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है। अगर मार्केट में डिमांड हाई है दैट मींस इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, सो इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू सी कि इकोनॉमी ग्रो करने वाली है या नहीं, और इसको लेके ऑर्डर बुक्स एनालाइज करता है आरबीआई, सर्वे करवाता है, उस सर्वे का नाम है ओबिकस सर्वे। इसकी एक लंबी चौड़ी फुल फॉर्म भी है बट वी विल नॉट गो इनटू द फुल फॉर्म, जस्ट रिमेंबर ओबिकस सर्वे क्या है, ऑर्डर बुक्स एंड इन्वेंट्री देखता है और उसकी मदद से डिसाइड करता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। और इसकी इसका जो रिसेंटली ओबिकस सर्वे आया, अभी अभी आरबीआई ने रिसेंट इसका फेस करवाया था। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। ये बेसिकली क्या चेक करता है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कितना रोबस्ट है। ये काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करता है, स्ट्रेस टेस्ट, और देखता है वेरियस स्ट्रेस सिचुएशंस में हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना स्टैंड करेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कौन निकालता है? इट इज ब्रॉट आउट बाय आरबीआई। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंडेक्स शुरू किया है रिसेंटली, विच इज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स।
ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या देखता है कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स है वो किस रैपिडली और किस वॉल्यूम में ग्रो कर रहे हैं। सो इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ को मॉनिटर एंड मेजर करने के लिए आरबीआई ने एक इंडेक्स लॉन्च किया, दैट्स कॉल्ड एज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली काफी सारी चीजों पर फोकस करेगा कि यार ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है और कितनी जगहों पे वेरियस डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। बेसिकली ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों देखेगा, यानी कितने यूजर्स चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो और कितने ज्यादा लोग जो शॉपकीपर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मर्चेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का जो बेस ईयर है जिससे ग्रोथ को कंपेयर किया जा रहा है वो बेस ईयर कौन सा है, 2018 का। ठीक है, 2018 को बेस ईयर सेट किया गया है, उसको अगर 100 का स्कोर दे दिया तो उसके बाद जो भी स्कोर होगा दैट वुड बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इट। तो इसको ऐसे 5 अलग अलग पिलर्स पे इसको मेजर किया गया, 100 के बेस से कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, सो हमने देख लिया क्या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, आरबीआई। 2018 का इसमें बेस ईयर है, 2018 में 100 नंबर दे दिया। अब सपोज 2020 में डिजिटल पेमेंट बढ़ गए तो इसके नंबर 150 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और मेजर कैसे करता है, बोथ सप्लाई साइड डिमांड साइड मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों को मेजर करता है। ऐसे कुल 5 पैरामीटर्स हैं इसमें, क्या वो 5 पैरामीटर्स है नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हार्बिंगर 2021। ये हार्बिंगर 2021 क्या बोला यार, ये हैकाथॉन है आरबीआई के द्वारा जो फर्स्ट हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाएगी, दैट वॉज दिस हार्बिंगर 2021। ठीक है, ओके, हैकाथॉन का मतलब क्या होता है, हैकाथॉन एसेंशियली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, हैकिंग एंड मैराथन। सो कोई एक ऐसी बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम दी जाती है और उसका क्राउड सोर्स के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की जाती है, एसेंशियली दैट्स हैकाथॉन। तो इसका कल्चर इंडिया में रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, काफी ज्यादा पब्लिक पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है उनको वाया हैकाथॉन सॉल्व करने की के लिए अटेम्प्ट की जा रहे हैं। सो हार्बिंगर 2021 वॉज द हैकाथॉन ऑर्गेनाइज बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी थीम क्या थी, इट वॉज फोकस्ड ऑन डिजिटल ये पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, ओके, सो डिजिटल पेमेंट्स इनमें कैसे आगे ज्यादा स्टेप किए जा सकते हैं इसको लेके इसकी थीम थी कि स्मार्टर पेमेंट सिस्टम कैसे डिजाइन किए जा सके। और जो इसका टैगलाइन था, टैगलाइन क्या था, इनोवेशन फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, इनोवेशन फॉर ट्रांसमिशन वॉज इट्स टैगलाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज बीवेयर। व्हाट इज दिस बीवेयर, हाँ इसमें कोई टाइपिंग में एरर नहीं है, इसको आरबीआई ने ही इस तरीके से, अच्छा आरआरए रह गया, आरआरए क्या है, आरआरए इज द रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। सो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी किसके अंडर सेटअप की गई है, आरबीआई के अंदर। इट इज द 2.0, इससे पहले भी एक बार सेटअप की गई थी। सो पुराना करंट अफेयर्स हो चुका है इसलिए इसका हेड कौन है मैं नहीं बताऊंगा, बट रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी अगर पूछ लिया जाए किससे एसोसिएटेड है, इट्स एसोसिएटेड विद आरबीआई। क्या काम है इसका, आरबीआई ने जितने भी पास्ट रेगुलेशन बनाए हैं उनको दोबारा से स्टडी करना और देखना कि उनमें से कुछ ऑब्सोलीट तो नहीं हो गए, कई उनमें से इररिलेवेंट हो गए हैं समय के साथ, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिलीट करना, उनमें जो जो स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है उन रेगुलेशंस के थ्रू उनको चेंज करवाने के लिए रिकमेंडेशन देना। ऑल ऑफ दिस रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी अंडर द आरबीआई इज डूइंग। ठीक है, ओके, सो आरबीआई की जो वेरियस सर्कुलर्स है उनको स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस बीवेयर। बीवेयर क्या है, दो चीजें हैं इसमें, बी अवेयर, इट सेज बी अवेयर एंड बी वेयर, यानी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अवेयर भी रहिए। ये क्या है, बेसिकली एक पब्लिकेशन है, किसने निकाली है, आरबीआई ने निकाली है। किसके किससे ये आपको अवेयर करना चाहता है, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आप पे, कई बार वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता होगा कि आपकी केबीसी में लॉटरी लग गई है, कई बार आपको ऐसा मैसेज आता होगा कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आपको लॉटरी का पैसा मिलेगा, फिर लोगों से इस तरीके से पैसे चोरी कर लिए जाते हैं। वो सब आपको पता होगा, जमतारा करके एक एरिया है झारखंड में, दैट वॉज वंस बहुत ही ज्यादा डिफेम्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्कैम्स, जहां से होते थे जमतारा इन झारखंड। ठीक है, बट अब इट हैज चेंज, नाउ इट इज नोन फॉर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स जमतारा।
बट बीवेयर क्या है, इस तरीके के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते थे उसको अवॉइड करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक पब्लिकेशन जो स्टार्ट की गई है, दैट्स द बीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई का एक हब, आरबीआई इनोवेशन हब जो एक सेटअप किया गया है, आरबीआई इनोवेशन हब। ये कहां सेटअप किया गया, जितने भी इस तरीके की नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, आरबीआई जो दूसरे सेंट्रल बैंक इनोवेशन कर रहे हैं उन सबको इनोग्रेट अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए, उसके लिए आरबीआई ने अपना एक इनोवेशन हब रिसेंटली स्टार्ट किया है। कहां पे ये इनोवेशन हब स्टार्ट किया गया है, इट हैज बीन स्टार्टेड जहां पे इंडिया की मैक्सिमम इनोवेशन होती है, दैट्स बैंगलोर। 100 करोड़ रुपए के इनिशियल कॉर्पस के साथ ये आरबीआई इनोवेशन हब स्टार्टअप स्टार्ट किया गया इन बैंगलोर। ठीक है, सो फार सो गुड। कोई डाउट किसी को तो प्लीज आस्क। All the students who are attending live, if you have any doubt, please let me know. I hope all of you are making notes and writing everything diligently that is being discussed. Next है NAPFID. NAPFID India का 5th IFI है. अब ये IFI क्या बुलाया गया, All India Financial Institutions. So India का जो 5th IFI setup किया गया through an Act of Parliament, that's the NAPFID. NAPFID क्या है? It's National Bank for Financing Infrastructure. NAPFID क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है। ओके, सो दैट्स NAPFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बाकी IFIs कौन से हैं? IFIs गाइस पुराने जो आप सबको पता ही होंगे, NABARD है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो एक टाइम पे आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, नेशनल हाउसिंग बैंक वो है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वो एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब रिसेंटली जो इस कतार में नया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया है, द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज NAPFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके जो रिसेंटली MD अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, राजकिरण राय साहब। राजकिरण राय हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ दिस। ठीक है, अब ये करेगा क्या गाइस, देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो दे हैव अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड से मतलब क्या है, उसमें 50 साल 30 साल तक का कर्ज लेना पड़ता है और धीरे धीरे पैसा रिफंड होता है। तो जो ऑर्डिनरी बैंक्स होते हैं वो इस तरीके की फाइनेंशियल लेंडिंग के लिए उतने ज्यादा अनेबल्ड नहीं है। सो हमें एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए था, एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI चाहिए था जो इस पे स्पेसिफिकली फोकस कर सके। सो इसीलिए एक नया IFI फॉर्म किया गया जिसका नाम NAPFID रखा गया है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करेगा, इट वुड बी रेगुलेटेड बाय RBI ओनली। ठीक है, RBI ही इसको रेगुलेट करेगा। अच्छा, तीन हो गए, चौथा कौन सा था, नेशनल हाउसिंग बैंक, NABARD, एग्जिम बैंक और वो SIDBI, ये जो इंडस्ट्रियल बैंक था इंडस्ट्रीज के लिए जो लेंडिंग के लिए एक IFI सेटअप हुआ था, दैट वॉज SIDBI। सो दिस इज देयर। तो NAPFID के राजकिरण राय साहब वुड बी द न्यू वुड बी द फर्स्ट MD। वैसे ये नई इन्फॉर्मेशन है राजकिरण राय वाली, तो आपके एग्जाम में शायद ना आए बट आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े, सो फार सो गुड। अब कैसे ये वर्क करेगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। इसका कॉर्पस कितना है, इंप्लॉइज कहां से आएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और गिल्ट एज स्कीम, दो स्कीम्स आरबीआई की आई है। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है, अब आप भारत सरकार के डायरेक्टली किसी भारत सरकार ने कोई बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है, या भारत सरकार ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करी, तो आप या किसी स्टेट डेवलपमेंट, किसी स्टेट ने मार्केट से कर्ज उठाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें होती है वो अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या करती है, मार्केट से लोन उठाती है, और उस लोन को क्या बोलते हैं, भारत सरकार जब इश्यू करती है देन इट्स कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी या GSEC के नाम से उसको बोला जाता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है देन इट्स कॉल्ड एज स्टेट डेवलपमेंटल लोन।
तो अब क्या आप डायरेक्टली भारत सरकार को कर्ज दे सकते हैं? आरबीआई ने ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम स्टार्ट की है और गिल्ट एज स्कीम स्टार्ट की है। इसमें बेसिकली क्या है, आरबीआई का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, हर एक बैंक का एक अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? इट्स एसेंशियली अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड पे क्लाइंट के साथ बैंक डील करता है। तो आरबीआई का अपना एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसका नाम है ई कुबेर। सो ई कुबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ आरबीआई, उसकी मदद से आरबीआई इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें क्या होगा, आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना रिटेल डायरेक्ट में आरडी में खाता खोलेंगे, फिर आप कभी सपोज राजस्थान की गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए तो उसने एक स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू किया 10 साल के लिए और बोला कि इस लोन पे मैं 2% ब्याज दूंगा, तो आप जाके इस लोन को डायरेक्टली इस ब्याज को स्टेट डेवलपमेंट लोन को खरीद सकते हैं। सरकार ने सपोज एक ये जो कागज इशू किया था वो 10,000 रुपए का था, तो आप सरकार को 10,000 रुपए देंगे और आरबीआई आपको ये कागज दे देगा और इस कागज के बेसिस पे आपको ये 2% इंटरेस्ट हर जो भी उसकी टर्म होगी उतने टाइम पे मिलता रहेगा और 10 साल बाद आपको जो आपके 10,000 रुपए थे वो भी वापस मिल जाएंगे। सो दिस इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्या है इसका आइडिया कि जो बॉन्ड मार्केट है उसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, आम जन की भागीदारी है, उसको बढ़ाया जाए। पहले क्या होता था, पहले कोई लार्ज प्राइमरी डीलर होगा, पुराने टाइम में क्या होता था, एक प्राइमरी डीलर कोई एक लार्ज कंपनी होगी जैसे आईसीआईसी सिक्योरिटीज, ऐसी कोई कंपनी होगी जो इन बॉन्ड्स को खरीदेगी, फिर ये लोग इसको आगे बेचते थे। अब सरकार ने क्या है, क्या इस स्टेज को बाईपास करके सीधे लोगों और आरबीआई के बीच में कनेक्ट बिल्ड कर दिया थ्रू द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सो वॉज द न्यूज। सिमिलरली इससे आप सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटीज एसेंशियली वो सिक्योरिटीज होती है विच हैव हाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी उनके क्रिप्टो करेंसी की तरह कोलैप्स करने का बहुत कम चांस होता है गिल्ट एज बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज का, ठीक है। सो दैट्स देयर। अब है 20 लाख, ये 20 लाख का क्या मामला है गाइस, सरकार ने ये रूल निकाल दिया है कि अब आप 20 लाख से ज्यादा पैसा अगर खाते में डाल रहे हो या खाते से निकाल रहे हो तो आपके पास पैन या आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, उसके बिना आप 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अपने खाते से नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सो कई बार ये नंबर वाले आपको टेस्ट सीरीज में परेशान करेंगे कि 20 लाख है कि 10 लाख है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लेट मी पुट द सिस्टम ऑन चार्ज गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। इफ यू हैव एनी डाउट मीनवाइल प्लीज लेट मी नो एंड आई विल बी बैक इन अ सेकंड, आई विल बी बैक इन जस्ट अ सेकंड। ओके या आई वॉज पुटिंग द सिस्टम ऑन चार्ज, ठीक है। सो दिस इज 20 लाख वाला सीन देख लिया, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक और काफी ज्यादा न्यूज में था, हैज बीन इन न्यूज फॉर सम टाइम नाउ, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। देखो इसके पीछे की जो कहानी है वो तो काफी फनी और इंटरेस्टिंग है, बट इसमें हमें सिर्फ मुद्दे पे ही बात करेंगे। ऐसा हुआ था एसेंशियली, एक सबसे पहले अच्छा मैं आपको चलो इतिहास से ही शुरू करता हूं इसका। हमारे यहां बैंकिंग सेक्टर की समस्या बहुत मतलब काफी एनपीएस की प्रॉब्लम थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। भारत के जितने भी सरकारी बैंक्स थे उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ऐसा लोन जो अब रिकवर करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। टेक्निकली इसको 90 डेज का टाइम पीरियड जिसमें इंटरेस्ट ना आया हो वैसे डिफाइन करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए वन क्रॉप साइकिल डिफाइन करते हैं, पर वो स्टैटिक इकोनॉमी का पार्ट है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थी समस्या, अब इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैसे रिफॉर्म किया जाए, इसके लिए एक लाया गया मिशन इंद्रधनुष। और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर काफी ज्यादा पैसा डाला गया। मिशन इंद्रधनुष याद हो आपको तो ये वैक्सीनेशन का भी एक इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इसके अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म करने के लिए। सो उसी में एक रिफॉर्म सजेशन जो था वो था बैंक बोर्ड ब्यूरो का। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या बुलाती, इस बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बोला था कि यार जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें जो टॉप के ऑफिसर्स हैं यानी उनके सीईओज एमडीज हैं, इनका अपॉइंटमेंट ऐसा ना हो कि डायरेक्टली भारत सरकार करे, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको हम बैंक बोर्ड ब्यूरो बोलेंगे, और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए जो इसको अपॉइंट करे इन मेंबर्स को, ठीक है। सो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार ने बनाया और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो काफी लंबे टाइम से इन ऑफिसर्स को जो वेरियस बैंक्स के वो होते थे उनको अपॉइंट कर रहा था,
ये बैंक बोर्ड ब्यूरो की सिफारिश किसने दी थी? एक कमिटी थी विच वॉज कॉल्ड एज द पीजे नायक कमिटी। पीजे नायक कमिटी बैंकिंग रिफॉर्म्स पे थी, जिसने ये बैंक बोर्ड ब्यूरो फॉर्म करने की सजेशन दिया, मिशन इंद्रधनुष का भी सजेशन दिया और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बना। ठीक है, ये अब वेरियस SBI हो, PNB हो, उन सब में इनके CEO MD अपॉइंट करा था। अब क्या हुआ, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो वही है ना, किसी को आप उंगली दो तो वो पूरा हाथ पकड़ लेता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करा था, फिर इसने क्या किया, सिर्फ बैंक्स ही क्यों है, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है, ओरिएंटल इंश्योरेंस लो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लो, इनके ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना शुरू कर देता हूं। तो क्या हुआ, इनके जो ऑफिसर्स थे इनमें झगड़ा हो गया कि यार तुम तो सिर्फ बैंक लेते, हम पे तुम क्यों उंगली डालने लगे। तो फिर ये लोग कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट में मामला खींचा और कोर्ट ने बोला ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का सिस्टम बंद करो और उसकी जगह एक नया सिस्टम लेके आओ। तो वो नया सिस्टम जो अब भारत सरकार लेके आई है, दैट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो वो क्योंकि उसके नाम में ही बैंक बोर्ड्स ब्यूरो था तो वो बैंक से रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा था, इसलिए कोर्ट ने बोला है बैंक बोर्ड ब्यूरो बंद करो। तो इसलिए सरकार ने नाम बदल दिया है, अब यह है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, तो FSIB। तो अब ये अपॉइंट कर रहा है जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के वेरियस बॉडीज हैं, इंश्योरेंस में और बैंक्स में, उनमें जो सरकार के अपॉइंटीज हैं, उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं, वो FSIB के थ्रू अपॉइंट होंगे। तो ये FSIB का चेयरपर्सन जो कौन है, वो किसको अपॉइंट किया गया FSIB का चेयरपर्सन, दैट्स भानु प्रताप शर्मा। सो भानु प्रताप शर्मा अगेन ही इज हिमसेल्फ अ बैंकर, काफी सीजन्ड बैंकर हैं। उनके अलावा दो मेंबर्स और भी अपॉइंट हुए हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट। सो FSIB के नए चेयरपर्सन या फर्स्ट चेयरपर्सन, दैट वुड बी भानु प्रताप शर्मा। आई होप आपको FSIB की स्टोरी क्लियर हो गई हो, क्यों ये क्रिएट किया गया वो क्लियर हो गया। और यही चीज गई थी, तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ये स्टोरीज आपको यूजुअली PDF और ये जो काफी ज्यादा सर्कस चलता रहता है करंट अफेयर्स के नाम में, उनमें ये स्टोरीज नहीं मिलेगी। सो इफ यू वॉन्ट कि इस तरीके के कनेक्ट के साथ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए सो दैट दे स्टे लॉन्गर इन योर माइंड, प्लीज फॉलो द वर्दीशाला चैनल। एंड इफ यू वॉन्ट टू अटेंड द क्लास लाइव ऑन लाइव, देन यू कैन ज्वाइन अस एट टेलीग्राम। वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द 5 AM क्लब, जिसमें हम रोज सुबह 5 AM पे मिल रहे हैं, आप लोगों की अटेंडेंस लगा रहे हैं CDS के, NDA के, FCAT के एग्जाम तक, ताकि आपका दिन की एक अच्छी शुरुआत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो काफी ज्यादा जिसका भौकाल था कुछ टाइम पहले, ऐसा बोला जा रहा था कि Amazon, Flipkart सबको खत्म कर देगा ये, बट सैडली जो पीपल जो नेता होते हैं ना, वो स्पीचेस जब देते हैं दे गिव इट इन पोएट्री, बट जब गवर्न करने की बात आती है दे गवर्न इन प्रोज। सेम थिंग इज विद दिस ONDC, दिस इज ONDC क्या है एसेंशियली, ये आप समझो आपको अभी कुछ चीज ऑर्डर करनी होती है, तो आप क्या करते हो, Amazon पे गए, सपोज Amazon पे नहीं मिली तो आप Flipkart पे गए, या आप क्या करते हो दोनों पे प्राइस कंपेयर करते हो। ठीक है, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे Amazon भी हो, Flipkart भी हो, सपोज आपको कुछ खाने का मन कर गया तो Zomato का भी वहां पे हो, सपोज आपको कुछ अपने रूम पे ऑर्डर करके कहीं से कुछ मंगाना है तो उस पर Dunzo की भी फैसिलिटी हो, तो इस तरीके का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम जो एनविजन किया गया, उसका नाम था ONDC या ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, इसमें एसेंशियली क्या है, इसमें एसेंशियली क्या होना है, देखो इसमें एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें Amazon भी है, Flipkart भी इसमें सेलर है, Amazon भी है, Flipkart भी है, सपोज इसमें Dunzo भी है, और इसमें आपका जो पड़ोस में नीचे किराने की दुकान है वो वाला भी है। अब अभी तक क्या होता था, आप जब Amazon की वेबसाइट पे जाते थे तो Amazon वाला अपने प्रोडक्ट्स को पहले दिखाता था, या जो उसके अपने सेलर्स होते थे जो उसको ज्यादा कमीशन देते थे उनको ऊपर दिखाता था, कई बार वो अपने जो प्राइवेट लेबल्स होते थे उनको बहुत ज्यादा पुश करते हैं ये कंपनी, जैसे आपने देखा होगा Solimo के काफी ज्यादा Amazon के सर्च रिजल्ट में ऊपर प्रोडक्ट आते हैं बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लेबल ऑफ Amazon। ठीक है, सिमिलरली Flipkart पे जाओगे तो वो कई बार एक्सक्लूसिव डील्स कर लेते हैं कुछ कंपनीज के साथ और फिर उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इनसे क्या हो रहा था, आपका जो लोकल किराना स्टोर का सेलर था यार, उसकी अपॉर्चुनिटीज कम हो रही थी, ही वॉजेंट एबल टू सेल, एंड जो इंडिया की डोमेस्टिक रिटेल मार्केट थी उसमें काफी ज्यादा ये इंटरनेशनल प्लेयर्स और इनका दबदबा था,
तो वो खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ONDC का आइडिया सजेस्ट किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इट वुड बी जस्ट लाइक UPI, जैसे UPI एक इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, ONDC भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब UPI के ऊपर फोन पे ने अपनी अलग ऐप बना ली, भारत पे ने अलग ऐप बना ली, पेटीएम ने अलग ऐप बना ली, सिमिलरली ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक स्ट्रक्चर होगा। इसमें Amazon भी आ जाएगा, Facebook भी आ जाएगा, लोकल किराने वाला भी आ जाएगा, डंजो भी आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो आप पे चॉइस रहेगी कि आप इसको अपने लोकल किराने वाले से भी ले सकते हैं और आप प्राइजेस भी साइमल्टेनियसली कंपेयर कर सकते हैं अदर जगह कहाँ पे है। ना सिर्फ इतना, कई बार क्या होता है आपने Amazon से ऑर्डर कुछ किया तो आपको दिखाएगा कि यार वो लॉजिस्टिक की कॉस्ट 50 रुपए 60 रुपए दिखा रहा है, वेरी एक्सपेंसिव। तो अब आप कह सकते हैं कि यार मैं Amazon से ऑर्डर करता हूँ पर डिलीवरी मैं डंजो से करवाऊंगा बिकॉज वो सिर्फ 30 रुपए ले रहा है। तो इस तरीके का आप मिक्स मैच करके भी ई कॉमर्स को लीड कर सकते हैं थ्रू द ONDC प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो अभी ONDC में क्या प्रोग्रेस हुई है, अभी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। इट इज डूइंग ट्रायल सिटी, वेरियस सिटीज में जाके इट्स डूइंग ट्रायल प्रोजेक्ट्स। सो जैसे अलग अलग सिटीज में दे हैव टेकन वेरियस काइंड ऑफ ट्रायल प्रोजेक्ट्स जहां पे दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस आइडिया कि हाउ इट विल पैन आउट इन फ्यूचर। सो इट्स समथिंग बिग फॉर द फ्यूचर। यूपी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी का इनिशिएटिव है उसके काफी सारी जो वन ODOP बैंक है ODOP मार्केट है उसको इसके साथ लिंक कर दिया एंड देयर बाय यूपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जो इसमें ऑनबोर्ड हो चुका है। नेक्स्ट है ईज 5। यार ये ईज के वेरियस एडिशंस आते जा रहे हैं, जब मैंने प्रचंड पढ़ाना शुरू किया था तब से आ रहा है, तब पहला ईज था, नाउ इट्स द 5th एडिशन। एसेंशियली ये क्या है, वही जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेके काफी सारे इनिशिएटिव को एक स्ट्रक्चर्ड नाम दे दिया गया, दैट्स ईज 5.0। इट इज एसेंशियली एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। बेसिकली आप यूजर को पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो इस ईज का काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको ओवरसी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है NeoPay। NeoPay क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, UPI भारत के अलावा पहला देश जो UPI को अपना इम्प्लीमेंट कर रहा है दैट्स नेपाल। UPI जा रहा है दुबई भी, UAE भी जा रहा है। UAE में जो UPI इम्प्लीमेंट होगा वो कौन करेगा, NeoPay। तो NeoPay इज नथिंग बट दुबई में UPI, ठीक है। ओके ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। इफ दिस इज क्लियर लेट मी मूव अहेड। नेक्स्ट इज द UPI लाइट। व्हाट इज दिस UPI लाइट, ये सस्ता UPI, या यू कैन से दैट एसेंशियली कई बार ऐसा होता है कि यार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो वैसी सिचुएशन में भी अगर आपको पेटीएम करना पड़ जाए, पेमेंट करना पड़ जाए, तो उसके लिए ही ये UPI लाइट स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, एसेंशियली आप कुछ पैसा ऑलरेडी डाल दोगे एक पर्टिकुलर चीज में, फिर विदाउट इंटरनेट भी आप पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो दैट्स एसेंशियली UPI लाइट प्रोग्राम, ठीक है। तो UPI लाइट क्या है, विदाउट इंटरनेट अगर आपको थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर करना हो छोटे अमाउंट में, उसके लिए ये UPI लाइट आ रहा है। कौन बना रहा है, सेम कंपनी जिसने UPI बनाया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसमें वेरियस बैंक जो है इंडिया के, SBI, PNB, यूनियन बैंक, इन सबकी ओनरशिप है कुछ परसेंट, ठीक है। That is the UPI light for you. आगे बढ़े। Next है जीवा प्रोग्राम। What is this जीवा प्रोग्राम? ये basically NABARD का प्रोग्राम है। इसमें क्या है? ये वाटरशेड रिचार्ज को है। तो कई बार ऐसी जगहें गांव में होती थी जहां पे पानी पहले जमाने में स्रोत होते थे और वहां पे पानी स्टोर रहता था, वहां से इधर उधर इकट्ठा होता था एंड देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। तो इस तरीके के जो अमृत सरोवर आपने पीछे देखी थी ना, जो रामपुर में फर्स्ट इनॉग्रेट हुई, उसी तरीके के काफी सारे जो वाटरशेड्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए NABARD का जो एक इनिशिएटिव है दैट इज द जीवा प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो एग्जिस्टिंग वाटरशेड है, वादीज भी कई जगहों पे बोला जाता है, उनको रिनोवेट रेजुवनेट करेंगे और फिर वहां पे जो नेचुरल फार्मिंग है जिसमें कम फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उस तरीके की नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। सो व्हाट इज जीवा प्रोग्राम, बिनो 197 को लेके काफी ज्यादा न्यूज में आती रहती है कि विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं उनका मूड खराब है, उनके शेयर्स डूब गए, ये फलाना ठिकाना। नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। अगर हमें FCAT के लिए भी इतना ही पता होना चाहिए कि 197 इज नथिंग बट द पेटीएम का पेरेंट कंपनी, ठीक है। सो 197 इज नथिंग, 197 कम्युनिकेशंस इज पेटीएम, ठीक है। नियो बैंक तो नए जनरेशन बैंक है, नियो बैंक पे मैं आगे चर्चा करूंगा। न्यू बैंक जितने भी नए जनरेशन बैंक हैं जिनमें कुछ स्पेसिफाइड है,
जैसे कुछ उनमें से रूरल एरियाज पे फोकस होंगे, कुछ अर्बन एरियाज में पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडिंग पे फोकस करेंगे, उनमें ही कई कुछ ऐसे होंगे जो ब्रांचलेस बैंक होंगे, सो वो एक ब्रॉड कैटेगरी न्यू बैंक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन क्या है? ग्रीन इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ अभी आपको, बट एसेंशियली ये क्या है, जापान की जो एड प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है उसका एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से क्या, वो एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जो डिबेट होती है ना, उसको एक सुखद परिणाम पे लाने का प्रयास है। इसमें बेसिकली एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों को कैसे एक सस्टेनेबल वे में मैनेज किया जाए, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट के लिए जापान पैसा देता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट की भी मदद कर रहे हैं और डेवलपमेंट को भी आगे ले जा रहे हैं, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स जापान पैसा फंड करता है, और उन प्रोजेक्ट्स को जो प्रोग्राम के अंदर फंड किया जाता है जापान के, वो है ग्रीन प्रोजेक्ट। ग्रीन की क्या कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ, एक बहुत लंबी चौड़ी सी फुल फॉर्म है। ओके, उसमें सो दैट इज द ग्रीन प्रोग्राम। ग्रीन प्रोग्राम किसका? जापान का। फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको देख के, बट अगेन अगर नहीं भी पता वुडेंट कॉज यू मच प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ग्लोबल एक्शन फॉर रिकनसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को आपको रिकनसाइल करना है, एक साथ लेके चलना है, तो दैट्स द ग्रीन इनिशिएटिव। डीएसएसआई एंड डीसीव। डीएसआईआई क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इंश्योरेंस की ऐसी कंपनी विच आर टू बिग टू फेल इन द कंट्री, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज टीबीटीएफ, टू बिग टू फेल। तो ऐसी कंपनीज अगर वो कोलैप्स कर गई तो उनकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फाइनेंशियल कोलैप्स कर जाएगा, तो द गवर्नमेंट कैनॉट allow these companies to fail, so these are called as domestic systematically important insurance companies। जो है उनकी लिस्ट कौन निकालता है ऐसी insurance companies की? IRDA, जो हैदराबाद में based है, I guess insurance regulatory development authority of India, वो इसकी लिस्ट निकालता है IRDA। where is it based? it's based in हैदराबाद। और ये जो दूसरी है domestic systematically important banks, ऐसे banks जो अगर collapse हो गए तो economy collapse हो जाएगी, उसकी लिस्ट कौन निकालता है? उसकी लिस्ट निकालता है आरबीआई। सो अब इनके अंदर कौन से बैंक्स हैं, कौन से इंश्योरेंस हैं? अगर आपको बैंकिंग इंश्योरेंस के पेपर देने हैं तो यू आर वेलकम टू स्टडी दैट, अदरवाइज दिस मच इज एनफ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज गिफ्ट सिटी। व्हाट इज गिफ्ट सिटी? ये बेसिकली ऐसा मानो कि ये जो यूएई, दुबई ऐसी कंट्रीज में जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है ना, कि आप अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, तो उसी तरीके का कल्चर इंडिया में लाने के लिए, एक्सक्यूज मी, ये गिफ्ट सिटी स्टार्ट की गई है। तो इंडिया की फर्स्ट गिफ्ट सिटी का सूरत गुजरात में स्टार्ट की गई है। इसमें होता क्या है, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ है गिफ्ट सिटी के लिए। बेसिकली इसमें क्या है, जो इंडिया के अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, और यहाँ पे अपने तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम ये डेवलप कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक सैंड बॉक्सिंग। जैसे एक सैंड बॉक्स के अंदर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है देन यू कैन रेप्लिकेट इट अक्रॉस द नेशन। सो सेम यही है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है। अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों थी। तो ये तो वैसे काफी पुरानी चीज है, बट वाई वॉज इट इन न्यूज। ठीक है, फर्स्ट है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म। वट इज दिस इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म? हम सब जानते हैं देर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी एक यूनिट है जो IFSC में बैठती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो इस गिफ्ट सिटी के अंदर है। IFSC इज अ प्लेस इन साइड दिस गिफ्ट सिटी, जहां पे काफी सारे हायर टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स के ऑफिस है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक इस NSE का जो IFSC वाला यूनिट है, उन्होंने इसी बेसिस पे एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू किया है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये किस पे फोकस करेगा? इट वुड फोकस ऑन, रिमेंबर जो ESG बताया था, ESG इन्वेस्टर्स को जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द ESG, उनके लिए ये इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। वेयर इज इट लोकेटेड देख लिया, कौन ऑपरेट करेगा? NSE अलॉन्ग विद IFSC हमने देख लिया। ठीक है,
नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक. व्हाट इज दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां पे देखो दो बैंक है, वन इज द एनडीबी एंड द सेकेंड इज AIIB. मैं यहां लिखता हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. पहले तो इनका हेडक्वार्टर देखते हैं. एनडीबी इज बेस्ड इन शंघाई, AIIB इज बेस्ड इन कैपिटल ऑफ चाइना दैट्स बीजिंग. इसमें AIIB में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर आफ्टर चाइना शेयर होल्डर. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स हैव इक्वल पार्टनरशिप. एनडीबी में इट्स मोर मल्टीलेटरल इन नेचर, इट्स मोर चाइना लेड. ठीक है, ऑल द बोथ चाइना में बेस्ड है बट दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दम. सो इंडिया के अंदर एक फर्स्ट इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी की, इंडिया की फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी जिसने अपना ऑफिस खोला है, दैट्स द न्यू डेवलपमेंट बैंक. सो गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात में फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी जिसने अपना ऑफिस खोला, दैट्स दिस. ओके, दैट्स द न्यू डेवलपमेंट बैंक. उसका हमने बैकग्राउंड भी देख लिया ताकि उस पर क्वेश्चन आए तो वी आर एबल टू सॉल्व दिस. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट है आपके वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स. यार पहले तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. देखो दो चीजें हैं, वन इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड देन वी हैव वर्ल्ड बैंक. इसका भी असली नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, 5 इंस्टीट्यूशन. मीगा इज वन. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट गारंटी के लिए अग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी अग्रीमेंट मीगा. सो दिस इज देयर. ऐसे काफी सारे अग्रीमेंट्स है जो वर्ल्ड बैंक है. सो वर्ल्ड बैंक की जब मैं बात करता हूँ देन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. फाइनेंस करने के लिए एक IFC भी होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो भी आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है. सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 पार्ट्स और IBRD इज द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव्स पे बात करते हैं फटाफट से. राइट्स प्रोजेक्ट, राइट्स प्रोजेक्ट कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है तमिलनाडु में. और ये राइट्स प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का है, व्हाट इज इट फोकस्ड ऑन? ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना, PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जो है उनकी कैसे प्रोटेक्शन हो सके और कैसे उनकी स्किलिंग हो सके, उनको कैसे कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके, उस पर यह फोकस्ड है द राइट्स प्रोजेक्ट. फुल फॉर्म नॉट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव है, दैट इज द श्रेष्ठा जी इनिशिएटिव. ये श्रेष्ठा जी इनिशिएटिव क्या है? देखो श्रेष्ठा एक अलग स्कीम है. श्रेष्ठा स्कीम इज फॉर SC गर्ल्स, SC शेड्यूल कास्ट गर्ल्स के लिए स्कीम है. ठीक है, और इसमें क्या है, गर्ल्स एंड टू एन एक्सटेंट बॉयज ऑल्सो शेड्यूल कास्ट किड्स के लिए, इनमें जब ये स्कूल में होते हैं तब इन्हें अच्छे कॉलेज में प्राइवेट चाहे वो हो उसमें एडमिशन के लिए वेरियस तरीके की हेल्प फाइनेंशियल एज वेल एज मेंटल भी की जाएगी. सो दैट इज द श्रेष्ठा इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है. ठीक है, श्रेष्ठा इनिशिएटिव. तो उस सेंस में देखोगे तो वैसे है, और श्रेष्ठा में जी लगा दोगे तो गुजरात का एक प्रोजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट. रिवॉर्ड प्रोजेक्ट बेटा किससे एसोसिएटेड है? यह है रेजुवेनेशन ऑफ वॉटरशेड से, यानी जो हमने जीवा प्रोग्राम में किया था उसी चीज को हम रिवॉर्ड प्रोजेक्ट में भी करेंगे. ठीक है, बस इसमें लेवल ज्यादा है, स्केल ज्यादा है. नेक्स्ट इज NARCL. व्हाट इज दिस NARCL? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ठीक है, सो दिस इज द NARCL. इसके रिसेंटली नए हेड अपॉइंट किए गए. NARCL हैज बीन अपॉइंटेड विद अ न्यू हेड. तो यू हैव टू टेल मी द न्यू हेड ऑफ NARCL. ओके, लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं. क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स गाइस. पार्टिसिपेट करो तभी मजा आएगा. ठीक है, अदरवाइज इट वुड जस्ट बी अ बोरिंग क्लास, आपको नींद आ जाएगी. ठीक है, सो बढ़ाओ फटाफट यार. सो दैट्स NARCL. आपको मुझे इसका फाउंड अभी जो CEO है या टॉप एग्जीक्यूटिव है उसका नाम पता करके बताना है. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस माधाभावी पुरी बूच. What is this Madhavapi Puri Bhuj? Anyone who can tell me what is this Madhavapi
पूरी बुच बुच हो गई है, तो बुच कौन हो गई है, बिल्कुल इट वॉज करेक्ट, इट इज नटराजन सुंदर रिवॉर्ड। ये जो है आपका NARCL, इसके हेड कौन है, नटराजन सुंदर। जस्ट लेट मी इरेज इट फॉर अ सेकेंड। ओके सो दिस इज नटराजन सुंदर, ठीक है आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, देखिए आप वॉटरशेड के रिनोवेशन के लिए, श्रेष्ठा जी देखिए गुजरात में स्किल डेवलपमेंट के लिए, राइट्स प्रोजेक्ट देखिए, ओके सो राइट्स प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है PWD के वेलफेयर के। NARCL की बात कर ली, नटराजन सुरंदर रन मैटर को देख लिया, ठीक है ओके आगे बढ़े, बट आई गेस इट वुड बी थोड़े लेंथी हो जाएगी क्लास, सो आई विल कॉल इट अ डे ऑफ देम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट की क्लास यार ज्यादा लेंथी हो, ऑलरेडी कल भी आपने क्लास की हुई थी, आज शाम को फिर करनी है, सो वुडंट टेक लॉन्ग, एक घंटे तक ही रखूंगा आज वाली को। आई होप आपको मजा आया हो, अभी और टॉपिक्स हैं, कल गवर्नेंस करनी है, काफी चीजें, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस क्लास, कुछ बेनिफिट हुआ, इकोनॉमी हमने कर ली, कुछ और काफी सारी चीजें कर ली, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, एंड एज वी हैव प्रॉमिस्ड अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला अगेन इन टुडेस क्लास, सो सेम बीफ एज यू ऑल नो, अ होल लॉट ऑफ फेकनेस इज गोइंग ऑन, शाउट आउट टू द रियल वंस, स्टे स्ट्रांग, सो स्टे स्ट्रांग कॉमरेड्स, स्टे स्ट्रांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, सो सेम बीफ चलना है, सेम बीफ चलता रहे सिद्धू मूसेवाला से, जो दूसरी चीज लर्निंग जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने कंसिस्टेंसी की बात की थी, आई ऑल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट फ्रॉम हिम, जो सेकेंड चीज आप देख सकते हो दैट्स रूट, अपनी जड़ों से इंसान को हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए, ठीक है, बींग हम्बल, हैविंग दैट ह्यूमिलिटी एंड ऑलवेज बींग एसोसिएटेड, देखो भले ही आइसबर्ग ऊपर इतना हो पर वो समुन्द्र के नीचे इतना गहरा होता है, सो हमें भी उस गहराई को अपने अंदर पाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा रूट से जुड़े होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ जब बंदे एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वो मैं ऊपर और सारा जमाना है नीचे, उस एटीट्यूड के साथ जीने लगते हैं, दे फॉरगेट एवरीथिंग दैट ऑल द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड हैज कॉन्स्पायर टू गिव देम, सो ऑलवेज बींग एसोसिएटेड विद वंस रूट, ऑलवेज बींग हम्बल इज द सेकेंड लेसन दैट वी कैन टेक हिम। आप देखते होंगे वो कैसे अपने गांव में जाते हैं, अपने पिंड में जाते हैं, इनफैक्ट उन्होंने जो अपना एपोनिमस नेम यूज किया था दैट अगेन इज अ रेफरेंस टू हिज विलेज ओनली, सो बीइंग एसोसिएटेड विद योर रूट्स, बीइंग हम्बल सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम्स एंड एज, जब बंदे सेलेक्ट होने के बाद हवाओं में उड़ने लगते हैं, हाउ टू रिमेन ग्राउंडेड वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, सो आई होप यू एंजॉय टूडेज क्लास, मजा आया, इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैव अ लुक एट देम एंड रीड थ्रू देम। अगर आपको सेशन में मजा आया तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइएगा। रिगार्डिंग वर्तीशाला, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे होती है, ये जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी 8 पे आएंगी, सो 8 AM सुबह 8 PM शाम को मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को जहां पे लाइव क्लास हो रही है। आज शाम को मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, प्रिपेयर हार्ड।